वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं शशांक रवि और मैं आज निकल पड़ा बिलासपुर से मैनपाट के लिए 18 फरवरी 2020। अरे 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 रुको भाई, ऐसे कैसे आगे बढ़ जाओगे, चलिए चलिए पीछे पीछे, चलिए तो फिर बढ़ते हैं मैनपाट के लिए। तो यहाँ से जो कटघोरा तक का रास्ता बहुत हालत ख़राब कर देने वाला रास्ता मिलेगा, तो देखते हैं जैसे तैसे इसको निकालते हैं और कटघोरा के बाद का जो रास्ता रहेगा वो बहुत ही शानदार। उम्मीद करते हैं रिपेयर हो गया। हम अभी बीच बीच में अपन दिखाते चलेंगे कि ये कटघोरा तक का जो रास्ता है किस टाइप का है। तो ये है पाली का हाल, देख सकते हैं आप, अभी अपन पाली पहुंचे हैं। पाली इतना गर्म, अभी भी खराब है रोड, अभी तक बना नहीं है, लोग पानी डाल रहे हैं, गीला कर रहे हैं रोड को ताकि धूल ना उड़े। अब ये हाल कहाँ तक बरकरार रहेगा हमारे साथ, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब खराब रोड है यार, रोड ही नहीं है। 3 सेकंड है, बता कौन सा जगह है। क्या इस जगह का नाम बता, 3 सेकंड है। एक चार भोपड़ी के <बहुहारी हो। laughs> अरे माँ कसम गांव का नाम याद नहीं आता, जब जल्दी बोले तब। गोरबा और अंबिकापुर जाने वाले लोगों को एक ही सलाह है कि आप उर्गा होते हुए जाएं। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस रोड में आए। एडवेंचर करना चाहते हैं, घिसाना चाहते हैं, घुटना छिलवाना चाहते हैं, तो इस रोड पर आए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप ही के लिए बना ही रोड। तो फाइनली बेकार रोड अब खत्म हुआ और फिर से अपन बाईपास अंबिकापुर रोड में निकल पड़े। ये है अंबिकापुर जाने का बाईपास, अंबिकापुर गोरबा चांपा, और ये है कटघोरा जाने का रास्ता लेफ्ट। कोरबा जाएगा एक बार, इस मुंडा होते हुए कोरबा जाएगा, कटघोरा इधर नहीं जाएगा। गलत लिख दिया, मतलब इसको इधर होना चाहिए, वो एरो को नीचे होना। क्या बोलोगे तुम लोग, हमको तो खैर लेफ्ट लेना है यहाँ से। वो हमारा फेवरेट जगह है, वो पहाड़ जगह। तो अब आ चुके हैं अपन मेन अंबिकापुर रोड, अंबिकापुर चिरमिरी एंड चोटिया। हेलो, आ गया 4 लेन 2 लेन हाईवे। ये पुराना रास्ता है ना, जल विहार बुका। तो रोड तो बन गया है, फिलहाल तो रोड बन गया है, सनन रोड है, सनन रोड है।
जहाँ पर हमारा क्लच वायर का नीचे का जो पॉइंट है वो टूट गया था, और फिर समझ आ नहीं रहा था कि कैसे करें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था। और मैं वो जगह बस आपको बताने वाला हूँ कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर क्लच का वो वायर टूटा था। बस 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 यहीं पे हमारा कट से आवाज आकर हमारी गाड़ी यहाँ पर आके रुक गई। फिर हमने दिमाग लगाया और अपने बुद्धि के इस्तेमाल से हमने गाड़ी को अंबिकापुर तक पहुँचाया। हाँ, रास्ते में कहीं भी नहीं बनेगा ना, रास्ते में कहीं पर भी वो बन नहीं सकता। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो क्लच वायर तो साथ में ले के ही आएँ, और कुछ कुछ औजार भी साथ में लेकर आएँ। तो ऐसा है कहानी इस रोड का, बनेगा तो डायरेक्ट अंबिकापुर में ही बनेगा और उससे पहले कहीं नहीं बनने वाला। ठीक है, फिर जय भारत जय छत्तीसगढ़। पूरा हाथी ग्रस्त एरिया है ना, हाथी ग्रस्त एरिया, पूरा हाथी वाला इलाका है। हाँ सर, केवरा से राइट लेते हैं। क्या गांव का नाम है? केवरा। केवरा ये जाना है अपन मैनपा, ये वही वाला रास्ता है ना। ओह हो, याद आ गए, जो पैदल आए थे वही टेम्पो वाला मिला था भला।